राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। केम छो, कैसे आप लोग? निकल चुके भाई, आज ठंड शानदार भाई, शानदार। आगे पूरा धुंध ही धुंध है, कुछ भी क्लियर नहीं, फिर भी अपनी गाड़ी जो है निकल चुकी है। तो आज अपने लोग कंटिन्यू एक वीडियो बनाएंगे, सिर्फ एक ट्रिप मारेंगे तिलका मांझी से वापस क्लब की ओर का। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो रेडी, वो भी बिना हॉर्न के भाई साहब, बिना हॉर्न। आज सिर्फ गाड़ी का एक्सीलेटर, इसका एग्जॉस्ट ही हॉर्न होगा। भाई साहब केटीएम वाले भाई साहब फिर से निकल गए यार। एक बात है ना कि कुछ भी हो जाए पीछा नहीं छोड़ते। हम भी आगे नहीं बढ़ते भाई, उन्हीं को जाने देते हैं, एक चांस मारने देते हैं। 0 माइल से 0 माइल से 0 माइल ऐसा बम्पर में संभाल के चलाना, जब भी गाड़ी चलाओ एक बात ध्यान रखना, अगर बम्पर का पता है आपको ऑलरेडी तो भाई प्लीज़ बम्पर में उछालना मत गाड़ी। जितना आराम से निकलोगे ना शॉकर में, उतना कम प्रेशर पड़ेगा, लाइफ बनी रहेगी। तो भाई साहब गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड ही ना इतना खतरनाक है ना कि क्या बताऊं। बच्चों को करते हैं बच्चे पढ़ाई में लगे हुए थे इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं किया। रेड लाइट है यार भाई साहब, 1.5 मिनट का रेड लाइट। सीन के साथ सीनरी हो गया। वैसा पब्लिक कंप्लीट रिएक्शन दे रही है। देख रहे हो बच्चे रिएक्शन भाई, आंख ही नहीं हटा पा रहा यार। इसको पता नहीं भाई रिकॉर्ड हो रहा अपना, तो भाई को छोड़ो निकलते फटाफट।
भाई साहब, ओ भाई भाई साहब, हवा को चीरते हुए निकलती है भाई। भाई भाई साहब खतरनाक खतरनाक। बच्चों का एग्जाम है तो उनको ऑल दी बेस्ट कह दिया। स्लो 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 स्लो, क्योंकि भाई बम्पर में कभी भी फास्ट में चला। चलती नहीं है भाई साहब, उड़ती है भाई, उड़ती है। चलना तो छोड़ ही दी है। खतरनाक। हौले हौले। मैनर फुल, वी आर मैनर फुल। चलते हैं, चलान तुम भर देना। तो चले क्या? सिग्नल हो गया ग्रीन तो निकलो और रूट कर रहे चेंज, चलेंगे बड़ारी साइड से अपन। भाई सब बड़ी बड़ी ट्रक चलती है बाईपास में, तो इस समय तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट है हम लोग।
मगर अब गेम को स्टार्ट करते हैं। भीड़ का इलाका होता है ना, गाड़ी मोटर्स पब्लिक ज़्यादा रहती, तो भाई साहब क्या हो, गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आ पाता। मज़ा क्या है, संभल कर चलाना पड़ता है। पब्लिक देख लो भाई, ठंड साइड नहीं चलना है, मतलब पॉकेट में एक हाथ डाल करके स्कूटी में चल रहे थे भाई साहब, तो देखो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या वो तो डिसबैलेंस हो जाएंगे, फिर हमें कहेंगे सॉरी, फिर हमारी कावास आगे करेंगे ऐसी की तैसी। इससे अच्छा पर मैं गाड़ी को रिस्क में कभी मत डालो, क्योंकि ये आपकी जान है, इसे कुछ हो गया तो भरपाई कौन करेगा। जुर्माना भरना पड़ेगा, तो भाई सब ऑटोमेटिक क्या पब्लिक समझदार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कि लोग वहाँ से ओवरटेक कर रहे हैं, वहाँ से ओवरटेक कर रहे हैं, जिसको धीरे चलना है वहाँ पर लेफ्ट साइड हो जाते हैं, नहीं तो राइट साइड हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या धीरे चलना है तो भी रोड के बीच में चलेंगे, और टोटो ट्रिप कहाँ रुक जाती है, हर कहीं रुक जाती है, उसके लिए पार्किंग बनी हुई है। वैसे मैं आपको ये सब बात क्यों बता रहा हूँ, पता है तकलीफ होती है यार, कि अपने यहाँ पर सब कुछ है, बस पब्लिक थोड़ी सी ये समझदारी भी ले आए ना कि यार अपना ही शहर है, हम ही लोग तरीके से चलेंगे तो क्या बाहर के भी आएंगे तो वो भी तरीके से ही चलेंगे। सब देख रहे हैं कि इसी तरीके से चलता है, तो बाकी लोग भी इसी तरीके से चलते हैं।
भी चाहिए मगर टाइम कम है, घर भी जाना है। तो आज उधर की जगह इधर से चल लेते हैं।